शेरू से अंडे आ रहे हैं, शेरनी के फर्टाइल होंगे और इसको इंशाल्लाह जैसे ही पहले ही मतलब हमारे सेटअप पे कोई मुर्गी कुड़क होती है उसको फ़ौरन ला के हम कैज में और अंडों के नीचे मतलब अंडों के ऊपर बैठा देंगे, अंडों के नीचे कह रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल फैंसी एंड व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही सैड है क्योंकि जैसे कि आपने देखा था, हमने दोस्तों पिछले व्लॉग में हमने 10K पे एंट्री न्यू एंट्री की थी, हमारा हमने मुश्किल आया था तो दोस्तों उसकी एक फ़ीमेल काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, वो फ़ीमेल दोस्तों हमें छोड़ के जा चुकी है। मैंने बहुत कोशिश की है कि उसको बचा सकूं लेकिन दोस्तों वो फीमेल नहीं बच सकी। मतलब आपको अभी दिखाऊंगा भी, लेकिन आप वहाँ पे दोस्तों आपको दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें हमारा शेरू और शेरनी के दरमियान में अंडा पड़ा हुआ है और माशाल्लाह से इसके अंडे हमारे पास तकरीबन 5 या 6 हो गए हैं और हमारे पास एक मुर्गी कुड़क भी है। देखते हैं दोस्तों अगर उसके नीचे रखना हुआ हम उसके नीचे भी रख देंगे, बाकी हमारा ब्लू का अंडा भी ऊपर ही पड़ा हुआ है क्योंकि वो अक्सर बाहर अंडा दे देती है। ये देखें ये हमारा ब्लू हैवी बफ का, काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये भी कह रहे हैं कि भैया ब्लू हैवी बफ के अंडे भी इंक्यूबेटर में रखें या मुर्गी के नीचे रखें, हम ब्लू हैवी बफ जो हमारा परिजाद है इसके बच्चे देखना चाहते हैं। तो दोस्तों अब ये अंडे भी मैं जमा कर रहा हूँ। अब हमारी जो मुर्गी पहले मतलब सबसे पहले जो भी क्रोक होगी तो दोस्तों उसके नीचे हम ये सारे अंडे जो परिजाद के अंडे हैं और बाकी हमारी जो ब्रीड डिफरेंट हैं की हैं उनके दोस्तों अंडे हम रख देंगे। तो बाकी हमारा दोस्तों अब इसको मैं रिंग के नीचे से निकालने वाला हूँ। इसको दोस्तों आप लोग आप दोस्त क्या कहते हैं कि हम अपनी लकी को दोस्तों सेटअप से निकाल दें, ना नीचे लेके जाएँ ना बस अपने सेटअप से निकाल ही देते हैं और हमारी डकी नीचे वाले दोस्तों जो दो इसके बच्चे हैं उनके साथ एडजस्ट हो जाएगी। आप दोस्त क्या कहते हैं दोस्तों, ये क्योंकि इसने ब्रीड तो करनी नहीं है, ब्रीडर तो है नहीं, तो इसको अपने सेटअप से निकाल ही देते हैं ताकि हमारी बाकी जो मुर्गियाँ दोस्तों वो भी आज़ादी का सांस ले सकें और खुले घूम सकें। ये देखें हमारा जो पेयर है बिजन का दोस्तों शिराजी का, इसका मूड अंदर बन रहा है, पैर अंदर लगते हैं, यहाँ पे ऊपर बैठ के पैर लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी अंडा फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे इसको अंडा रखता हूँ तो ये अंडे को अपने नीचे करने की कोशिश करती है, मतलब कि इसका दोस्तों ज़्यादातर मूड इधर बन रहा है कि यहाँ पर कोई कैज मिल जाए, कोई जगह मिल जाए तो मैं यहाँ पर अंडा दे दूँ। तो दोस्तों अब आप दोस्त भी बताइएगा कि ऐसा हम क्या करें कि इनको बाहर कैसे निकाला जाए क्योंकि इनकी आदत अंदर ही बनती जा रही है और ये चाहती है कि हम अंदर ब्रीड करें। तो दोस्तों बाकी हमारे जो इस सेटअप पे बर्ड्स बचे हैं, देखिए हम मोल्टेड बेंटम माशाल्लाह से अंडा दे रहे हैं, इनको मतलब हम नहीं छेड़ते क्योंकि इसके अनकरीब दोस्तों 2-3 दिन रह गए हैं हमारी पैटर्च हैवी बफ चूज़े निकालने वाली है। तो इंशाल्लाह इसके हमारे पास नन्हे मुन्ने मोल्टेड बेंटम भी आएंगे, ब्लैक बेंटम भी दोस्तों ट्राई हो माशाल्लाह से अच्छे अंडे देते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर इनको बंद किया हुआ है। तो बाकी दोस्तों आपको बताता हूँ कि हमारे जो रैबिट्स काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये भी कहते हैं कि नीचे ले जाएँ, तो दोस्तों रैबिट्स को भी हम नीचे ही लेके जाते हैं। ये देखें रैबिट्स यहाँ पे किस तरह से अभी गर्मी में, और सामने पता लग रहा है दोस्तों कि इनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये देखें मुझे लगता है दोस्तों गर्मी से इनमें सांस नहीं है, इनको मैं जल्दी से दोस्तों नीचे भी लेके जाऊंगा क्योंकि आप देखें इनके हालत कुछ मुझे नाजुक लग रही है, 4 के 4 बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो रहे हैं। इनको जल्दी से दोस्तों मिट्टी में भी छोड़ेंगे और आपको पहले वो वाली फ़ीमेल भी दिखाता हूँ जो दोस्तों फ़ीमेल हमारे पास अब नहीं रही, आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने कल रात को दोस्तों आप दोस्त कह रहे थे कि उसको अलहदा कर दें वो बीमारी और फैला देगी, तो दोस्तों मैंने पहले ही उसको उठा के क्योंकि मुझे भी शक था सुबह ये हमारे सेटअप पे ज़िंदा नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये देखें मैंने इस कैज में ही रात को इसको बंद किया था और इसी कैज में इसका सांस भी निकल गया। मैं परी को आगे से हटा के आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें दोस्तों मतलब इसको हुआ क्या है, हमारे सेटअप पर आई है, पहले दिन से दोस्तों इसको हल्का सा ज़ुकाम था, मैंने विब्रामाइसिन कैप्सूल दिया था और उसके बाद ये इसी तरह हल्की हल्की चलती, मतलब बाकी दो बर्ड्स आगे चले जाते, हमारे जो मुश्का ब्लैक मुश्का और फीमेल है और ये पीछे ही खड़ी रहती। तो दोस्तों ये देखें हमारे जो दूसरा मुश्का और उसकी एक फ़ीमेल है ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं और आप दोस्तों पूरा दिन ओपन रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि इनको कोई भी बीमारी हो। तो दोस्तों वो देखें वो हालांकि इतनी प्यारी फ़ीमेल थी, इतनी भी प्यारी फ़ीमेल थी दोस्तों ये दूसरी से, लेकिन वो अब ज़िंदा नहीं रही। शायद हमारे सेटअप पे दोस्तों ऐसा लाजमी होता है, हम कोई भी परिंदा पेयर लाते हैं तो दोस्तों उसकी एक फ़ीमेल कन्फर्म हमारे पास नहीं बचती, जैसे कि हमारे पास वाइट टाइगर की फ़ीमेल आई थी वो भी गई, सुसिक्स की फ़ीमेल आई थी एक रात उसने हमारे पास गुजारा वो भी चली गई। तो दोस्तों आई थिंक इस पेयर को हमें ज़रूर पालना है और इनके नाम दोस्तों अब आपने रखने हैं क्योंकि अब माशाल्लाह से ये उस कंडीशन से निकला है, मेल भी माशाल्लाह ठीक है और फीमेल भी आप आगे वाली देखें ठीक है, क्योंकि ये फ़ीमेल शुरू की एक्टिव थी, वो फ़ीमेल शुरू से ज़ुकाम हुआ मैं लेके आया था उसके बाद वो नहीं संभल सकी नहीं संभल सकी, मेल थोड़ा सा था इसको मेडिसिन की है तो माशाल्लाह ठीक है। अब पूरा दिन ये दोस्तों खुले रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, अब इनका नाम क्योंकि ब्लैक है दोस्तों
तो मुख्तलिफ आप नाम बताएं, मतलब ब्लैक के लिहाज से कि क्या इन पे सूट करेगा। लुक इनकी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों अच्छे से इन इस पेयर का नाम रखें। आई थिंक जिस पेयर का हम नाम रखते हैं दोस्तों, वो चीज़ हमारे सेटअप पे बचती भी है। मतलब ऐसा यकीन सा बन गया है कि जैसे आप दोस्त नाम रखते हैं, मामू का हमने नाम रखा है तो आज तक माशाल्लाह से मामू हमारे साथ ही है। बीमार होता है, ठीक होता है, फिर बीमार होता है, लेकिन ठीक हो जाता है। जिस चीज़ का हमने नाम नहीं रखा तो दोस्तों वो हमारे पास पता नहीं क्यों नहीं बचती। बाकी हमारे वो पीछे क्रेट में भी दोस्तों मुझे अंडा नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये हमारी जंगली फीमेल भी अंडा दे रही है और इसका बहुत ही अच्छा तरीका होता है। ये देखिए, क्रेट के अंदर ही अंडा देती है और माशाल्लाह से अंडे भी इसके काफ़ी, मतलब गोल मटोल एक ही साइज़ के अंडे होते हैं। लेकिन दोस्तों परीजात का आपको अंडा बताऊँ, जो हमारी परी का अंडा है, इसका अंडा तो दोस्तों कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये देखें माशाल्लाह, इसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें। तो अब ये भी करेंगे दोस्तों कि नीचे वाले सेटअप पर हमने आगे व्लॉग में इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे अगर कोई फीमेल मैं दोबारा देखूंगा, ब्लैक हेवी बफ अगर ब्रोक है तो दोस्तों उसके ऊपर ला के बैठाएं। आप दोस्त की कमेंट्स में बताएं। ये वाला अंडा भी निकाल देता हूँ क्योंकि ये ना हो इनके पाँव के नीचे आके अंडा टूट ही जाए। तो पहले हम अंडा निकालते हैं। तो दोस्तों ये देखें, इसका अंडा शुक्र है टूटने से बच गया, माशाल्लाह बहुत ही गोल मटोल है। और अब मुझे लगता है कि हमारे ये वाले जो शेरू से अंडे आ रहे हैं, शेरनी के, फर्टाइल होंगे। और इसको इंशाल्लाह जैसे ही पहली, मतलब हमारे सेटअप पे कोई मुर्गी कुड़क होती है, उसको फ़ौरन ला के हम केज में और अंडों के नीचे, मतलब अंडों के ऊपर बैठा देंगे, अंडों के नीचे कह रहा हूँ। तो दोस्तों सारे ये ब्लैक टेल जैपनीज़ और ये अंडे मैंने जमा किए हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा जो फीमेल भी बैठाई उसके नीचे काफ़ी तादाद में अंडे रखेंगे, क्योंकि मौसम अब माशाल्लाह से ठीक होता जा रहा है। आगे जून के बाद जुलाई अगस्त में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, पहले बहुत गर्मी गुजार चुके हैं हमारे बर्ड्स। बाकी दोस्तों आपको बताते चलूँ, ये जो तीन हैं इनके नाम भी अब हम रखते हैं, क्योंकि मेरा आप दोस्तों इस तरह का कुछ यकीन बन रहा है कि आप दोस्त जो भी नाम रखते हैं माशाल्लाह से वो बर्ड्स हमारे पास बचता है, माशाल्लाह उसकी लाइफ अच्छी होती है। ये देखें, ये तीनों ब्रामा के हैं और इनका जो बड़ा भाई है जो कि हमारा चीकू है, वो नीचे वाले सेटअप पे घूम रहा है और ये भी तकरीबन चीकू के करीब एक मंथ के बाद चीकू जैसे देखने को नजर आएंगे। तो दुआ कीजिएगा ये बड़े भी हो जाएँ। और इनके नाम बताएँ, तीनों के नाम दोस्तों आप रखें ताकि इन तीनों की जोड़ी हो और ये फिर नीचे लेके जाएंगे। और बाकी हम अपने रैबिट्स को भी इंशाल्लाह नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। और ब्लैक बैंटम आई थिंक कोने में बैठी हुई अंडा दे रही है, आपको दिखाता हूँ इसके। दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही, जब से हमने अपने सेटअप पे लाए हैं, और ब्लैक बैंटम वाइट ब्रीड है दोस्तों, जिसने हमारे सेटअप पे इतने अंडे दिए, माशाल्लाह से अपना हक अदा किया है। मतलब अपने जो कहते हैं कि अपने, मतलब रेट पूरा किया और इसने बहुत अंडे दिए। वो देखिए फीमेल, ये फीमेल बहुत अंडे देती है, बहुत ब्रीडर है। दोनों बहनें दोस्तों साथ लाई थी, मेल बाद में इसका हमने लगाया था, यंग मेल था। और माशाल्लाह से बच्चे भी इसके आपने देखा होगा, हमारी आज हैरी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बाहर तरफ है, तो उसको भी देखते हैं कि बाहर वो आहर करके आ रही है, क्योंकि उसके साथ बच्चे हैं। बच्चों का मतलब आजकल इधर कवों का रुख कम आया हुआ, क्योंकि गर्मी है। अगर कवे होते तो दोस्तों एक एक हमारा चूज़ा गायब होता जाता, तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई सी नहीं है। इस मुर्गी को भी उठाऊँगा दोस्तों, इसको मैं मतलब शाम को अभी जाऊँगा बाहर जा कर दफना दूँगा, क्योंकि पता नहीं इसको हमारे सेटअप पर जीना था लेकिन जी ना सकी। बाकी हमारे ये देखें, ये इस तरह पानी पीते हैं, खुले घूमते हैं, तो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। आप दोस्त भी देखें, इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को अच्छी इस तरह लगी है। देखें इनके अंदर मतलब एक असील वाली शाइन है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कमेंट्स करके, मतलब ऐसी ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं कि दिल खुश हुआ कि भाई अब आप ब्रीड लेके आए हैं, अब बहुत अच्छी ब्रीड है। तो दोस्तों दुआ भी करें, इनके नाम भी रखें ताकि हमारे सेटअप पे बच भी जाएं, क्योंकि बचाना लाजमी है इनको। सिर्फ ये पेयर बच गया है, दो फीमेल मैंने लाई थी कि अल्लाह ना करे एक को कुछ होता है तो दूसरी तो दोस्तों सर्वाइव करें। तो ये देखें, दूसरी माशाल्लाह से अभी तक एक्टिव है, फिर भी मैं साथ साथ इनको मतलब लेसन वगैरह दे रहा हूँ ताकि इनको कोई भी, मतलब दो टाइम नहीं दे रहा, एक टाइम लेसन लाजमी देता हूँ। और बाकी आपको परिजात के बारे में दोस्तों बताऊं कि ये इसकी टांग का कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हालांकि टांगों के दोस्तों मसला हमारा सुसिक्स के, वो कोने में आपको नज़र आ रहा होगा बैठा हुआ कोने में, तो खाता पीता ठीक है। तो इसको भी दोस्तों कहीं मामू वाला सिस्टम मुझे हल्का हल्का नज़र आ रहा है। ये देखें, थक जाता है, अब खड़ा होगा। ये देखें अब चलेगा कैसे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें, वो देखें, पता नहीं दोस्तों बैठे बैठे इसको ऐसा क्या हो जाता है, इसके पाँव में मतलब ऐसे अजीब सी इसकी रगें, शायद मतलब बैठ ज़्यादा है इस वजह से हो रहा है। अक्सर ठीक हो जाता है, बार बार कभी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों बाहर चलता हूँ, आपको हैरी पे भी नज़र रखते हैं, हैरी का भी शौक कराता हूँ। जी तो दोस्तों, हैरी पूरे छत पे घूम रही थी, मैंने फ़ौरन उसको आवाज़ दी और फ़ौरन मास्टर टेंट के अंदर भगती हुई आई, क्योंकि उससे लगा मैं कुछ खाने को डाल रहा हूँ। तो ये देखिए, अपने ही कैच के आगे आके खड़ी हो गई। दोस्तों आपको करीब से चिक्स का शौक करवाता हूँ। माशाल्लाह से हीरा देखें, किस तरह से हीरा घूम रहे हैं, ये वाइट कलर वाले माशाल्लाह से हमारे पास दो हीरा हैं, एक ही पीछे खड़ा हुआ है हैरी के। ये देखें, ये ब्राउन वाले जो हैं, ब्राउन और वाइट, ये हमारी हैरी
और शेरू के मिक्स हैं, और बाकी जितने भी हैं दोस्तों दो तीन जो हैं वो हीरे हैं, और बाकी बेंटम है, ब्लैक बेंटम है, एक दो ब्लैक टेल जैपनीज़। और माशाल्लाह ग्रोथ देखें किस तरह से दोस्तों सारे चिक्स हमारे पास बड़े हो रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है जो फ्रंट पर खड़ा हुआ है, सर पर ब्राउन सा डॉट है, और मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे चिक्स आएंगे हमारे पास इससे। अभी तो दोस्तों बड़े हैं, तकरीबन 2 मंथ लगेंगे। ये देखें वाइट वाला जो अपने पर को खुजाएगा, अभी इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये हमारा हीरा बनेगा। आप दोस्त भी क्या कहते हैं कि ये हीरा है कि नहीं, मतलब मुकम्मल लुक, हाइट और इसकी जान और मतलब सर बिल्कुल वाइट अच्छे जोड़ में होगा इंशाल्लाह, कुछ अरसे बाद इसका पता भी लग जाएगा। तो बाकी ये देखें पिजन की दोस्तों मस्ती नहीं ख़त्म हो रही आज, और ये मुझे लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ही अंडा देंगे। इसको हल्का सा हम अगर यहाँ पे क्रेट रखते हैं तो दोस्तों इन्होंने कन्फर्म इधर अंडा दे देना है। तो बाकी हमारे अब ब्लैक मुश्का यहाँ पर घुमा फिरा करेंगे, और इनके नाम आप दोस्तों ने लाजमी रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि व्लॉग पसंद इस तरह से नहीं आ सकता। मैं अक्सर ऐसे बात करता हूँ क्योंकि दोस्तों सैड न्यूज़ होती है। हमने परसों तो अपना मतलब मुश्का ट्रायो लाया था तो फीमेल एक्सपायर होगी, खैर अल्लाह की मर्ज़ी थी दोस्तों, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो अपनी तरफ से प्रॉपर उसको मेडिसिन दी थी, तो इसी तरह दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहें और जल्द से जल्द 11K करवा दें, ताकि दोस्तों 11K पे न्यू एंट्री इस दफ़ा आपको पता है मैं क्या लाने वाला हूँ, सिल्की का पेयर इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले जल्दी से 11K करा दें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।